दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आर सोनी न्यूज हर एक प्रत्याशी की वो खबर दिखा रहा है कि किस तरीके से उनके साथ, उन प्रत्याशियों के साथ लोग खड़े होकर उनका समर्थन दे रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, विनोद जायसवाल हमारे साथ हैं, साथ ही साथ नीरज अवस्थी साथ हैं, जो लोग ही लगातार हर वार्ड में जाकर खबरों को कवर कर रहे हैं, हर प्रत्याशी के साथ साथ वोटरों का मूड जानने कि इस बार वोटर किसके साथ होगा, क्योंकि इस बार एमसीडी चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी जो है जोर शोर से उतरी है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि वो इस बार बीजेपी की 20 से भी कम सीटें आने देंगे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो इस बार का जो नगर निगम का चुनाव है 250 सीटों पर है। जी हाँ, 250 वार्ड बनाए गए हैं जिस पर कि अलग अलग कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस या निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि इस बार जो 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे वो किसके खेमे में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी नीरज से जानूंगा कि किस तरीके से इस बार वो देखते हैं कि जो इस बार का जो चुनाव है, क्या केवल चुनावी जो लॉलीपॉप दिया जाता है उसके आधार पर है कि जिस तरीके से जो कहा जाता है ऑफर एक के साथ फ्री, चाहे किसी को कुछ फ्री, लेकिन जो समस्या होती है क्योंकि नगर निगम का चुनाव मूलभूत सुविधाओं पर होता है। नीरज, किस तरीके से देखते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा उस पर क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी का समीकरण आप देखते हैं कि ग्राउंड पर बनेगा? देखिए राकेश जी, बात अगर देखी जाए तो नगर निगम चुनाव की, बीजेपी 15 साल तो काफी है दिल्ली में, वही आम आदमी पार्टी की इस समय दिल्ली में सरकार है, और अगर देखा जाए तो कांग्रेस का भी काफी है, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस को निगलेक्ट कर रही हैं। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अगर कार्टर वोट कांग्रेस को मिल जाए तो इन दोनों की दशा बिगाड़ सकता है। तो बड़ा तिकड़मी जो है चुनाव इस समय नजर आ रहा है, और अगर कांग्रेस का अपना वर्चस्व वाला वोट मिल जाता है तो तीनों पार्टियों के अपने अपने भविष्य जो वक्ता हो रहे हैं वो तीनों के खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। और वही निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज होके गए हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, वही आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी प्रत्याशी इस मैदान में है। और ये प्रत्याशियों के फेस वैल्यू पर जो चुनाव होता है, आपको राकेश जी बताएं, यहाँ पर पार्टियां नहीं, यहाँ पर व्यक्ति विशेष जो है वो चुनाव की प्रबंधन को खास तौर पर देखना जारी रखता है। और अगर देखा जाए तो जो अपने निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं। अच्छा विनोद, आप भी लगातार खबर को करते आ रहे हैं, प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं, वोटरों से भी मिल रहे हैं, किस तरीके का मूड देख रहे हैं इस बार, यानी कि किन मुद्दों को लेकर लोग जो है दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी को वोट देंगे? इसमें राकेश जी, अगर देखा जाए तो जिसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को 20 पार नहीं होने देंगे, बीजेपी का आरोप है कि हम 200 पार जाएंगे, और इसमें कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है, बागी उम्मीदवार भी हैं, तो बागी उम्मीदवार सभी पार्टियां में हैं, लेकिन जिस तरह कहीं कहीं दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ कुछ हुआ, उस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में बगावत बहुत है, निर्दलीय भी हावी हो रहे हैं, उनके साथ भी पब्लिक जुड़ रही है, तो उस हिसाब से अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव जो भी है दमदार होगा। अच्छा, जिस तरीके से विनोद जी आप लगातार ग्राउंड पे भी रहते हैं, हमारे नीरज भी रहते हैं, लेकिन आप वोटर क्या कहते हैं, क्योंकि वोटरों ने देखा है कि 15 साल लगातार एमसीडी में बीजेपी रही, क्या वो दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हों या आम आदमी पार्टी जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार करी या कांग्रेस, क्या उनको फीडबैक, यानी दोबारा से वो चाहते हैं कि नगर निगम आए, यानी 15 साल से बीजेपी है, बीजेपी को हटाकर किसी और पार्टी का आप समीकरण देख रहे हैं, वोटरों का मूड क्या है, वो क्या कुछ पता चला आपको? इसलिए राकेश जी, कांग्रेस कुछ बढ़त बनाएगी अपना, और उम्मीद है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ पब्लिक भी जुड़ रही है, हो सकता है कि निर्दलीय भी अपना सीट आगे बढ़ाए। बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि जहां कांग्रेस पूरी तरीके से जो गायब थी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में भी नहीं है, और उसके बाद अब एमसीडी चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं समीकरण बन रहा है कि त्रिकोणीय जाएगा। नीरज, किस तरीके से देखते हो कि क्यों जाएगा इस बार जो चुनाव है, क्यों फंसेगा, क्योंकि
हर पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है पूरे जमखम से पूरे जोर से चुनाव प्रचार कर रही है, और लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार उनके साथ भी बहुत समर्थन मिल रहा है हर पार्टी के कैंडिडेट के साथ साथ। अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे वार्ड है जहाँ पर एक जगह पर एक वार्ड से तीन तीन चार चार प्रत्याशी जो है निर्दलीय खड़े हैं, तो क्या लगता है कि वो वोट बैंक जो है वो बटेगा, वोट खराब होंगे? बिल्कुल राकेश जी, निर्दलीय प्रत्याशी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही है, जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो कूड़े के पहाड़ बनाए इसको लेकर राजनीतिक तेज हो रही है और आम आदमी पार्टी उसी को उसी मुद्दे पर उसको घेर रही है। तो लेकिन नीरज जी, आम आदमी पार्टी का अगर आप बात करें कि कूड़े का ढेर का मुद्दा है, तो वहीं सत्येंद्र जैन का जो वीडियो भी जारी कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, उसको किस तरीके से वोटर देखेगा राजधानी दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, ये भी बात सही है कि सत्येंद्र जी के साथ जो इनके मंत्री हैं वो घोटाले में फंसे हैं और अपनी मसाज भी करा रहे हैं, उसको भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी मुद्दा बनाया है और कल इस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इसको जनता कुछ हद तक अगर देखा जाए तो कुछ परसेंट में जनता इससे प्रभावित भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी साइलेंट वोट की तरह वोट काट रही है इन दोनों पार्टियों के। अगर वो अपने काडर को फिट कर देती है तो इनका खेल बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा, आप देखिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि सभी पार्टियां जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, वहीं कुछ बागी नेता क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला, जो प्रत्याशी थे लगातार पुराने कार्यकर्ता थे, चाहे अभी आम आदमी पार्टी का जो हाल ही है वीडियो आया कि जिस तरीके से विधायक के साथ मारपीट करी गई, तो कई सारे आरोप जो है कार्यकर्ताओं ने लगाए। अगर हम बात करें तो आर के पुरम और मनिका इलाका जो है वार्ड है वहाँ के जो विधायक है उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे कि वहाँ पर भी उम्मीदवार उतारे गए। वहीं अगर सैदुल्ला जाब वार्ड की बात की जाए चाहे बसंत कुंज की, कई जगह पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी राजधानी दिल्ली में उतारे गए जिनका कि कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उसकी तस्वीरें भी लगातार हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन इस बार का चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है, विनोद एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि लगातार आप जा रहे हैं लोगों के पास, मुद्दे लोगों ने बताया कि आखिरकार मुद्दा क्या, किस मुद्दे को लेकर वो वोट देंगे, क्या चाहते हैं लोग, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं, बीजेपी की सरकार है, दिल्ली की अगर बात करें क्योंकि दिल्ली का नगर निगम चुनाव है, दिल्ली में खुद दिल्ली सरकार जो है झाड़ू आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, तो MCD में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, वोटरों ने क्या बताया, किस वजह से वो वोट देंगे या नहीं देंगे, किसकी तरफ जाएं, कुछ बताया? MCD में मेन आता है कि पानी और सफाई, तो पानी सफाई हुआ नहीं है ढंग से, लोगों का कहना है कि सफाई और छोटी गलियां जो है उनकी है, छोटी छोटी गलियां हैं जहां पे सड़कें नहीं बनी हैं। हाँ। तो लोगों का मेन मुद्दा यही रहेगा गलियां सफाई हो और पानी की व्यवस्था हो, टाइम टाइम से पानी आए। हाँ। कहीं कहीं चार चार दिन तक लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं। नहीं, पानी तो दिल्ली सरकार का स्ट्रीट लाइट है ये सब, और साफ सफाई और जो सकड़ी गलियां होती जो MCD के कार्य क्षेत्र में आती है उन्हीं चीजों को लोग चाहते हैं कि काम है, तो इस बार का मुद्दा यही है। बस मुद्दा यही है। तो देखिए इस बार का जो मुद्दा है वो पहले भी जाहिर था कि MCD लगातार क्या काम कर सकती है, जो उनके कार्य क्षेत्र में जो काम आते हैं उन्हीं कार्य को MCD करेगी, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार जो है राजधानी दिल्ली में वोट दिया जाएगा। आरसोनी न्यूज के सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि 4 दिसंबर को अपना मतदान जरूर करें, किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट दें लेकिन अपना वोट जरूर दें, और 7 दिसंबर को सबसे पहले आरसोनी न्यूज पे नगर निगम चुनाव के नतीजे जो है वो देखें। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ थे, नीरज अवस्थी और विनोद जायसवाल के साथ, आप नादरा के साथ आरसू न्यूज पे एक खास रिपोर्ट देख रहे हैं कि चुनाव पर किस तरीके की चर्चा है, और लगातार इस तरीके की चर्चा आपको मिलती रहेगी कि किस तरीके का समीकरण जो है दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव को लेकर बनना है। दिल्ली से अपने सहयोगी नादरा के साथ राकेश सोनी, आरसू न्यूज।